दोस्तों आज तक जिन देश के बारे में जो भी वीडियो हम लोग बनाया उस समय वीडियो में आप लोगों का इतना ज्यादा प्यार देखते हुए फैगुंग टीम ने सिर्फ चीन देश लेकर एक सीरीज शुरुआत किया है। उसी बात से आज हम आपको दिखाएंगे चीन का कुछ अजीब खाना। तो देर किस बात की, अच्छे से सीट बेल्ट बांध के निकलते हैं चीन का सबसे अजीब खाना के सफर में। नंबर 5, बेगर चिकन। चिकन एक ऐसा डिलीशियस और टेस्टी खाना होता है जिसे दुनिया का सभी लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग मुर्गियों का मांस देकर चिकन करी बनाकर खाते हैं, परंतु चीन में बेगर चिकन नाम का एक खाना मिलता है जो चिकन और कुछ मसाले के पेड़ के पत्ते से अच्छी तरह से ढक के उसके ऊपर गीली मिट्टी देकर अच्छी तरह से एक बढ़िया अंडे जैसा शेप देकर कुछ समय के लिए आग के ऊपर रख के अच्छी तरह से पकाया जाता है और कुछ समय के बाद खाने के लिए तैयार हो जाता है चीन का ये अजीब खाना। नंबर 4, फ्राइड बी। जनाब शहद मधुमक्खी द्वारा बनाया गया एक ऐसा खाना है जिसे ज्यादातर सभी लोग पसंद करते हैं, मगर जब होता है चीन का बात तब तो कुछ ना कुछ अलग ही होगा। बिल्कुल भाई लोग, चीन में शहद के साथ मधुमक्खियों को भी फ्राई करके खाया जाता है। चीन के लोगों को लगता है मधुमक्खी के अंदर बहुत ही ज्यादा पोषण और कम फैट होने की वजह से फ्राई करके मधुमक्खियों को खाना ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है। नंबर 3, स्पिनच नूडल्स। दोस्तों हम सबको तो पता है चीन का सभी लोग नूडल्स खाना पसंद करते हैं जो मैदा से बनाया जाता है, परंतु चीन में और एक अलग तरह की नूडल्स भी बनाया जाता है जो स्पिनच ब्रेड और पास्ता आटा से बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है ये अनोखा नूडल्स। पहले तो स्पिनच ब्रेड को पानी के सहारे अच्छी तरह से धोकर सॉल्ट और अंडा के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। उसके बाद उस मिक्सचर को पास्ता आटा के साथ अच्छी तरह से मिलाकर रोटी जैसा शेप देकर नूडल्स की तरह देखने जैसा छोटे छोटे कट के एक कटोरे के अंदर कुछ मसाला देकर तैयार किया जाता है चीन का ये अनोखा नूडल्स। नंबर 2, पिग ब्रेन। पिछले वीडियो में चीन लेकर एक सुंदर एपिसोड हम आपको दिखाया था कि पूरी दुनिया में जितने भी सूअर है उसका आधा सूअर चीन में रहता है, और अभी आप देखोगे कैसे चीनी लोग सूअर का ब्रेन खाते है। सुनने में ये तो एक घटिया खाना है, फिर भी चीन का बहुत ही सारे लोग सूअर का ब्रेन को बहुत ही पसंद करते हैं। देखिए जनाब कैसे चीन का ये बहन सूअर का ब्रेन के साथ मसाला मिलाकर खा रही है। नंबर 1, सेंचुरी एग। सेंचुरी एग चीन का एक ऐसा खाना है जो बनाने में पूरे 4 से 5 हफ्ता तक लग जाता है। हाँ भाई, पूरे 5 हफ्ता तक समय लग जाता है। ये सेंचुरी एग बनाने के लिए नमक, चूना, लकड़ी की राख, गीली मिट्टी, इस सभी मटेरियल को एक साथ अच्छी तरह से मिलाकर 5 हफ्ते के लिए अंडा को उस मटेरियल के साथ रख के तैयार किया जाता है ये अजीब खाना। इतना तक नहीं, इस खाना को देखो जिसे चीन का सबसे बदबूदार खाना भी माना जाता है, जो मांस, दूध, झींगा मछली, कई तरह के सब्जियां और कुछ इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाकर एक बढ़िया कटोरे के अंदर बदबूदार होने के लिए सभी सामग्री को रखा जाता है। जब पूरी तरह से बदबूदार हो जाता है तब चीन के लोग इस खाना को बहुत ही चाव से खाते हैं। दोस्तों इससे भी अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए इस वीडियो को क्लिक करो।